पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सैस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सैस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यो ही रहूं जो देवो सोखां। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु कर सो होय। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो।
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशला तो, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदो, इनके हृदय न समा। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, गौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, हम सभी प्राणियों के पिता हैं, वे हम सभी के रचनहार हैं। हम अपने पिता को भूलकर इन अन्य स्वामियों के ऊपर आसक्त हो चुके हैं। 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है, जो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म, वो काल भी कहा जाता है, उसको काल भी कहते हैं। इससे काल क्यों कहा जाता है, ब्रह्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, और काल का अर्थ होता है दुखदायी तत्व, जो हमें परेशान करे, हमारी मृत्यु करे, दुख दे, उसको काल बोलते हैं। इस एक ही शक्ति के दो नाम क्यों हैं, ब्रह्म क्यों कहते हैं और इसे काल क्यों कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, राम। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए इसे ब्रह्म, प्रभु, ईश आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन ये काल है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, इसलिए इसे काल कहा जाता है। ये ब्रह्म स्वयं भी स्वीकार करता है। श्री मद्भगवत, पवित्र श्री मद्भगवत गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म अर्थात ये काल बोल रहा है। ये कह रहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूं। तो ये काल इसलिए कहलाता है कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। इसने सतलोक में एक भयंकर गलती की थी, किसने, ब्रह्म ने। इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं,
इसने वहां एक ऐसी गलती की थी जिसके कारण इसको एक बीमारी लगी, एक सजा मिल गई, इसको दंड मिला। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 125,000 की उत्पत्ति किया करेगा, अर्थात प्रतिदिन 25% एक्स्ट्रा प्राणी इस ये उत्पन्न करेगा। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकालकर गंध को ये खाया करेगा। गीता जी अध्याय श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 में लिखा है कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष माने भगवान, और परम रूप इसका काल है, क्योंकि ये काल जो है, ये ब्रह्म जो है, इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी मंत्र से। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, काल रूप है, जो विराट रूप में तुम्हें दिखा रहा हूं, और इसके दर्शन ना तुझे तेरे अतिरिक्त पहले किसी को हुए, ना आगे हो सकते, ये तो मैंने तेरे पर अनुग्रह करके, कृपा करके दिखाया है। इस मेरे वास्तविक काल रूप को ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, अर्थात ना किसी यज्ञ से, किसी प्रकार भी इस रूप को नहीं देखा जा सकता। अब इसलिए साधकों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में ओम मंत्र ब्रह्म का है, ओम नाम का जाप और प्लस में इस काल के द्वारा की गई भ्रमित करने वाली भविष्य आकाशवाणी जो ब्रह्मा जी को की थी जब ये कमल के फूल पर विराजमान था, जब इसको सचेत किया गया था, उसमें कहा था आकाशवाणी में काल भगवान ने कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर इसको कहा कि अब तू सृष्टि कर, क्योंकि तप से इसमें सिद्धि आ गई और सिद्धि के कारण फिर ये काल के द्वारा ये भ्रमित किया गया और इसने आगे अपनी क्रियाएं शुरू की जो काल ने इसको ड्यूटी दी थी। तो साधकों ने वेदों अनुसार साधना की, प्लस ओम का नाम वेदों से लिया, ओम मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप, काम करते करते सिमरन कर, विशेष कसक के साथ सिमरन कर, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का समरन कर। तो ऋषियों ने वेदों से तो ओम मंत्र का जाप कर दिया शुरू, उधर से हठ योग ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया आकाशवाणी के प्रभु ये पूर्ण परमात्मा का आदेश मानकर, जबकि था ये काल का आदेश, तो वो अपने इस साधना में हठ योग ये घोर तप और जोड़ लिया जो कि शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी पवित्र सदग्रंथ में, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता जी में, पवित्र परमेश्वर जी की वाणी में, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात पांचवा वेद सवसम वेद में कहीं प्रमाण नहीं है हठ योग करने की, यानी घोर तप करने का कहीं आदेश नहीं है, प्रमाण नहीं। तो इसलिए इन साधकों ने साधनाएं की, परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है इस काल ने, क्योंकि ब्रह्म की साधना वो करते हैं, तो ब्रह्म प्राप्त हुआ नहीं। इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र गढ़ दिए, अपने अनुभव की बुक बना दी, उनका नाम उपनिषद रख दिया, जिसमें लिख दिया कि प्रभु निराकार है, वो दर्शन नहीं देता,
और फिर जो साधना करते हैं उन, ये काल भगवान किसी को विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को श्री शिव जी के रूप में ये दर्शन दे देता है। तो फिर ये साधक, ये ऋषिजन समझ लेते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है यही पूर्ण परमात्मा है, हमने वेदों अनुसार साधना की, इसने दर्शन दिए। अब वो तो उनके पास पहले भी रहता था, ऋषि जन उनको तो वैसे समाधि से वैसे भी देख लिया करते थे, वैसे भी उससे मिलते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते रहते थे, फिर भी वो काल द्वारा भ्रमित होने के कारण, क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु और शिव रूप में ये दर्शन देता है। इसलिए श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु का, इवन ऋषियों ने जो ज्ञान था, इन्होंने यही सोचा कि जो हमें समाधि दशा में, समाधि के दौ के अंदर विष्णु जी के दर्शन हुए, तो इन्होंने इस विष्णु को ही परब्रह्म मान लिया, पूर्ण ब्रह्म मान लिया, इसी को पता नहीं क्या क्या उपमा दे दी, इसी को ब्रह्म मान लिया। आप देखिएगा ये विष्णु पुराण, इसमें क्या कहा है, श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, यानी प्रारंभ ऐसा दिखे, जो दिखे तो परमात्मा जैसा है, लेकिन इसका परम रूप काल है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त और ये प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पर, यहां देखिएगा हे द्विज, ये इसी को अज्ञानतावश इस काल को ही परब्रह्म भी कहते हैं। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, भगवान, व्यक्त और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है, काल उसका परम रूप है। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 पे, यह अध्याय प्रथम अंश, अध्याय नंबर 2 प्रथम अंश का ही, हे विप्र, विष्णु के परम रूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए, उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और व्यक्त हुए, उस रूपांतर का ही नाम काल है। ये देखो, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब ये क्या करता है, जब तक एक ब्रह्मांड का विनाश नहीं होता तब तक ये काल और दुर्गा पति पत्नी रूप में रहते हैं, और ये काल ब्रह्मा विष्णु शिव, महाब्रह्मा तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इसके पुत्र भी विष्णु ब्रह्मा शिव कहलाते हैं, इसलिए ये उसके साथ, दुर्गा के साथ ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धार कर रहता है। और जब प्रलय हो जाती है, पृथ्वी इसको, दुर्गा को ये अपने लोक में भेज देता है, स्वयं ये एकांत स्थान पर 21वें ब्रह्मांड के उस लोक में जाकर के विश्राम करता, जब तक दोबारा सृष्टि प्रारंभ नहीं होती दूसरे ब्रह्मांड। तो क्या कहते हैं कि जब विष्णु के प्रकृति से अलग हो जाने के बाद इसका काल रूप परिवर्त होता है, अपने वास्तविक काल रूप में ये वहां स्थित होता है। अब पुण्यात्मा, ये काल क्यों कहलाता है और इसे भगवान भी कहते हैं, पर ब्रह्म तो इसलिए कहलाता है कि 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है,
यहां का ये राम है, प्रभु है। और काल इसलिए कहते हैं कि ये 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, इसलिए इसको काल कहते हैं। जैसे यहां हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के कितने सुंदर बाग बगीचे, कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे हैं, और बहुत सुंदर जल, कितना मीठा जल, कितने शीतल पवन हैं, और कितनी बड़ी पृथ्वी, बाग बगीचे, पहाड़, झरने, स्वादिष्ट जल की दरिया। तो इन सब को देखकर तो हमें ये लगता है कि भगवान बड़ा दयालु है, और ये परमात्मा हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, और परमात्मा ने कितनी अच्छी दिन रात बनाए हैं, कितनी अच्छी जो है ना ये पेड़ पौधे बना रखे हैं, हमें बहुत ही ये भगवान जैसा लगता है। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन तो इस काल का है, समझो भगवान है, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब जैसे एक किसी भी परिवार में आप देख लो, किसी के साथ कोई घटना घटी है, किसी के साथ कोई घटना घटी है, परिवार के परिवार विनाश हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र किसी फ्लड के कारण या किसी भूकंप या जो है साइक्लोन के कारण पूरा क्षेत्र लाखों की संख्या में आदमी मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं, बहन भाई प्राणी सभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये देखें तो ये काल है, और बाकी सुविधाएं देखें तो उनका विचार करते हैं तो लगता है जैसे बड़ा भगवान है, बड़ी सुविधा रखता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने, जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए प्रत्येक सुविधा वो रखता है, जैसे अच्छा बड़ा एक तालाब बनाता है, लंबी चौड़ी चरागाह उसके लिए उनके लिए रखता है, और साथ में गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनका शेड डाल देता है। जिस कसाई के प्रतिदिन 10-15 बकरों की सेल होती है तो वो कम से कम 200-300 की संख्या में बकरे रखता है, और उन्हीं से प्रजनन करके आगे उनकी संख्या बढ़वाता रहता है। तो वो बकरे, वो अबोध प्राणी उस कसाई को अपना मालिक मानते हैं, ये समझते हैं कि इसने कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है, हमारे खाने पीने चारे का कितना ध्यान रखता है। इस दृष्टिकोण से वो अबोध प्राणी उस काल, उस दुष्ट आत्मा को, उस कसाई को एक अच्छा व्यक्ति समझकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कभी आता है उन बकरों में तो वो पशु एक उनकी अपनी जो है इंसानियत दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं और उनसे प्यार करते हैं। जैसे निकट आता है कसाई तो हाथ लाकर देखता है कि ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना बन गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते उसको अपना मालिक जान के। और शाम के समय या दिन में जब भी उसके पास कोई 5-7-10 बकरों की का ऑर्डर आ जाता है तो उसी समय वो ना देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, किसी का बाप मरेगा, कोई भाई बहन मरेंगे, वो तो एक डंडा लेकर लाठी था और अच्छे मोटे मोटे 10-5 काट के न्यारे और जाकर उनको कटवा देता है। पुण्यात्मा ये काल भगवान ऐसा ही करता है, जिसको वेदों में ब्रह्म कहा है, और अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि इस ब्रह्म से आगे निकी बुद्धि नहीं गई। ये कहने को तो परब्रह्म भी बोलते हैं, कहने को ये पूर्ण ब्रह्म भी बोलते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि ब्रह्म से आगे नहीं है, इनको ब्रह्म से आगे का ज्ञान ही नहीं है, और ब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसको ये फाइनल भगवान मानते हैं, और इसी को सुखदाई, सर्व संकट मोचन और अजरो अमर निराकार संज्ञा से इसको संबोधित करते हैं। अपुण्य आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें बताया कि ये ब्रह्म काल है, ये तुम्हें
इसलिए यहाँ घेरे हुए है कि इसको श्राप लगा हुआ है 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये प्रतिदिन खाता है। स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे आपने बादाम देखे होंगे, बादाम का ऊपर का छिलका खाण का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। तो ऐसे ही इस स्थूल शरीर के नीचे, इस स्थूल छिलके के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। इस प्राणी के ऊपर, जीव के ऊपर, और उस सूक्ष्म शरीर में प्राणी, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। इसको तपतशिला काल के लोक में 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जिसके ऊपर पत्थर की टुकड़ी अपने आप गर्म रहती है, और ये उन 100,000 प्राणियों को तपतशिला के ऊपर डाल देता है। ये तड़फ तड़फ के, चटक मटक करके उठ नहीं सकते, ये उसकी शक्ति वहां पर काम करती है। ये विवश होकर के प्राणी वहां पड़े रहते हैं और तड़फ तड़फ के ऐसे उनके अंदर चटक मटक करते हैं जैसे खील भूनते हैं। ऐसे उनमें से गंध निकलता है, बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, तब ये सूक्ष्म शरीर उस गंध को छोड़ता है जो पूरे जीवन में इसने शराब पी, मांस खाया, चटपटे पदार्थ खाए या सुल्फा बीड़ी शराब तम्बाकू प्रयोग किया, वो ज्यादा गहराई से जम जाता है, बहुत सख्त जम जाता है उस सूक्ष्म शरीर में। और उन 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए उस मैल को, उस गंध को ये काल भगवान, ये ब्रह्म खाता है, ज्योति निरंजन खाता है। अब पुण्यात्मा आप देख लो, तम्बाकू, शराब और ये मांस कति आहार करण के नहीं, और देख कितने तरीके बनाए, हुक्का बनाया उसके लिए, सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई, तम्बाकू ढूंढा, और फिर पी, जब उसको पीना शुरू करे तम्बाकू को, ओहो हे भगवान, जिस बच्चे ने कभी प्रयोग ना किया हो, भाई बहन बेटी ने, और एक बार बीड़ी का कस लगा के देखा है, आख्यामा का पानी पड़ खांसी नदी छूटे, क्योंकि ये शरीर की प्रकृति के विपरीत है। और हमने फिर भी इसको लगा लिया क्योंकि मन ये काल ये चाहता है। ये मन जो है काल का एक एलिमेंट है, इसका एजेंट है, ये चाहता, इसके द्वारा ये इन भक्ष पदार्थों को भक्षण करना, और जो ना प्रयोग करने के ये तम्बाकू शराब आदि इनको भी प्रयोग करना, ये मजबूर करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसने चटपटापन चाहिए उसके मैल में, गंध में। आप देख लो कितनी स्पीड तय ये तम्बाकू बीड़ी रोका पूरे समाज में फैल गया, और शराब पूरे समाज में, भांग पीण लाग गए। ये गंध कोई पीण की और खाण की चीज थी, ये क्यों? ये जीव के बस का नहीं कि इसने छोड़ सके, या जीव के बस का नहीं कि इसको ना ग्रहण करे। ठीक है, कोई पुनकर्मी प्राणी प्रभु के शरणों में कभी रहे, उनके पिछले संस्कार से ही कुछ बचा रह सकता है। इस जन्म में बच गया तो अगले जन्म में गधा बन जाएगा, कुत्ता सुअर बन जाएगा, क्योंकि भक्ति सही नहीं मिलने देता। इस काल ने इस जीव की दुरुक्ति करने से मतलब है, इसका इससे कोई लिंक नहीं, और अपना उल्लू सीधा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, कबीर भगवान, और वो हमें बताते हैं कि तुम जिसको परमात्मा माने बैठे हो, जिसको तुम पुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा ये काल है, इसने अपने स्वार्थवश तुम्हें यहाँ पर भ्रमित करके अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा यहाँ रोका हुआ है। और वो परमात्मा आकर के हमें फिर अपने ही पाने का, अपने सतलोक ले जाने का हमें वो तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे पुण्यात्मा परमात्मा पर विश्वास करके अपने सतलोक चले जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता।
अब यहाँ तीन भगवानों के विषय में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमें अभी तक प्रभु की परिभाषा का कोई ज्ञान नहीं, हम प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं थे। अब परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान से हमारी आँखों ज्ञान वाली आँखियाँ बन गई, हमारी वो दृष्टि काम करने लगी ज्ञान वाली, जो पहले अंधी होगी थी, काल ने बिल्कुल बंद करवा रखी थी अज्ञान के द्वारा। अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और संतों और गुरुओं के द्वारा अज्ञान का फैलाव करवा दिया। अब परमेश्वर के ज्ञान से हमारी वो आंखें खुल गई, अब हमें पता चला कि हम बहुत गलत स्थान पर आकर फंसे हुए हैं। यहां से जब तक हम निकलेंगे नहीं, तब तक हमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी या कोई सुख नहीं। तो उस परमेश्वर ने हमें बताया है अपनी ही महिमा, अपने ही पाने की विधि, और उसने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि जितने गुरुजन वो ब्रह्म से आगे नहीं जानते। कबीर परमेश्वर के आने से पहले इस कलयुग में सन 1398 से पहले की कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी, किसी भी संत का विवेचन आप दिखा दीजिए कि उन्होंने कितना सतलोक या सचखंड का कितना जिक्र किया हो। अब वर्तमान के अंदर जो सतखंड सतलोक के गुण गाते हैं, ढोल पीटते हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये ठेका ले रहे हैं सचखंड का, सतलोक का, वहां जाने का, सतपुरुष का, इन कह कह का भी नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। कति अज्ञान से भरे हैं ये पूरे दोनों पंथ, क्योंकि एक ही पंथ से, राधा स्वामी पंथ से ही भिन्न हुआ है धन धन सतगुरु, यानी सच्चा सौदा जिसको सिरसा मंडी रहा है, उसी से ये अलग हुए हैं। और उन्होंने, उनके गुरु ने, उनके जो मुखिया थे श्री शिवदयाल जी, जिससे ये पंथ चला, उनको कह कह का भी नहीं बेरा सतलोक किसे कहते हैं, सचखंड किसे कहते हैं, सार नाम क्या है, सत नाम क्या है। तो ये नकली पंथ काल न चलाए भोली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए, कि इनको सच्चे ज्ञान का, तत्व ज्ञान का पता ना लग जाए, कहीं ये मेरे जाल से निकल ना जा। आपको एक झलक दिखाता हूं राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जिसको ये परम धनी परम पुरुष बोलते हैं, उसके क्या ज्ञान था, उसको कितना ज्ञान था, के विचार थे उसके, ये आपके सामने दिखाते हैं। ये देखिएगा, पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दाल की दया राधा स्वामी सहाय, सार वचन राधा स्वामी, सार वचन वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी महाराज जी ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। कोई साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते। 19वीं बार मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। यहां से शुरू करो इनके अडंगे को पढ़ना है, थरा गजब। ये देखो प्रश्न नंबर 2 पे, ये देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, सतनाम को यहां सतनाम स्थान कहा है, मुकाम स्थान यानी मुकाम सतनाम, और राधा स्वामी में पहुंचावे। मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, ये दोनों स्थान बता दिए यहां पर प्रश्न नंबर 2 पे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी नहीं, खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उसे छूटा नहीं जा सकता। अब आगे देखो 3 नंबर पृष्ठ पे,
वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर एक मजम हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल एक पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर या पांचवी मंजिल सतनाम बोलते। ये ध्यान रखना, ये सतनाम को यहाँ स्थान सिद्ध कर रहे हैं। और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद पहुंचे। अरे वाह, ये राधा स्वामी भी मंजिल बता दी इन्होंने। अच्छा, इसी स्थान से आदि सूरत का तन जुल यानी अवतार हुआ है। अब देखो प्रश्न नंबर 5वां, वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी जो है ये सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, ये भी मेरे ख्याल में नशा करके लिखा करते दानंद की तरह। ये देखो यहाँ कहते ये स्थान समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और फिर यो उसी का नाम है। कुल मालिक का भी राधा स्वामी नाम है। अरे थरा गजब हो यो। कोई नो कब है कि अब समझना चाहिए, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री का नाम है। बताओ उस आदमी ने कोई ज्ञान है, उसका कोई ये कथन ठीक है? थरा गजब हो यो। अब देखो इसको ध्यान से, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, आगे देखो, और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब राधा स्वामी तक नीचे ने का दो स्थान छोड़ गए, अलख लोक और अगम लोक छोड़कर सतलोक को सतनाम बोल रहे हैं, जिसको संतों ने सतलोक। अब सतनाम के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है सतनाम, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरख करके बयान किया है। अरे थरा गजब हो ये। हे भगवान, और कितने अंधे श्रद्धालु पढ़े लिखे शिक्षित इस मार्ग में श्राद्धा स्वामी पंथ में बहुत ही अच्छी IAS, IPS और HCS और ये जो है ना SDM और मजिस्ट्रेट लेवल के व्यक्ति इनके फंसे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग इस अक्षर ज्ञान से भिन्न है, और भक्ति मार्ग को संत ही बता सकता है, और संत ही संत की क्रिया में कोई डिफेक्ट निकाल सकता है, श्रद्धालु को पता नहीं लग सकता। अब इस छोरी ने को पढ़ कर देखा है, काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है, और इन नकली गुरुओं को कुछ पता नहीं था, इनकी भी बुद्धि काल के हाथ में थी। अब ये कह रहे हैं, कई तो कहते हैं कि समझना चाहिए जो सतनाम सबसे ऊंचा मुकाम है, राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, और फिर ये सच्चे मालिक का नाम है, सतपुरुष का, पूरे सच्चे खुदा का यू ए नाम है। अरे थारा गजब हुई है। एक तो राजधानी दिल्ली को राजधानी बतावे, दिल्ली को ही प्रधानमंत्री का नाम बतावे, या तो नशा कर रहा ना कति बोड़ी बूझ से क्या है का बिना बेरा से। ऐसी छुरी है इस राधा स्वामी पंथ के लिए, सतलोक और सचखंड का ठेका ले रहे हैं। कहते हैं बस गुरु पार कर देगा, गुरु ले की जाएगा उस थरे गुरु ने न्योना बेरा यू कहाँ है के सांग है सचखंड सतनाम का भी ना बेरा। सतनाम को स्थान बताए, सतलोक है इसी को सचखंड, सार शब्द सतशब्द, और इसी को सतपुरुष भी कहते हैं सतनाम को। अरे थरा गजब हो यो। हे भगवान, ये गर्भ में क्यों ना मर गए इसे संत इसे ऋषि। सतनाम तो दो अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम है मंत्र है और दूसरा तत् जो सांकेतिक है, इन दोनों को मिलकर के सतनाम बनता है, और सतनाम के जाप से जीव सतलोक जाने के और सार शब्द
सारनाम पाने के योग्य होता है। सतनाम के नाम की कमाई जब बढ़ जाती है उस साधक को फिर सत सार नाम दिया जाता है। और सार नाम प्राप्त करके फिर सार शब्द की उपलब्धि करवा के इस प्राणी को सचखंड भेजा जाता है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे नकली गुरुओं और पंथों तथा ऋषि महर्षियों ने काल के दूत का काम किया और सभी श्रद्धालुओं में अज्ञान फैला दिया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी यानी सत्य पुरुष वो अमर पुरुष स्वयं ही आए, वो पूर्ण ब्रह्म। वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्य सुकृत नाम होता है परमेश्वर का। परमेश्वर जी अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं, सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान देते हैं, लेकिन उस समय के अन्नाड़ी अज्ञानी महर्षि ऋषि उनको उल्टा ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लग जाते हैं। जैसे एक सीधा हाथ यानी राइट हैंड, एक बामा हाथ वामा लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ भी कहते हैं, इसको सीधा हाथ इसको उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। जबकि परमात्मा सत्य कहते थे, सच्चाई बताते थे, वो अज्ञानी ऋषि महर्षि स्वयं परमात्मा की परिभाषा से परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उस सच को झूठ बताते थे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार, कह कबीर सुनो भी साधो सब उल्टा व्यवहार, ये सच्चों को तो झूठा बतावर झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े। अब इन अज्ञानी ऋषियों ने संतों ने गुरुओं ने बोली बाली जनता श्रद्धालुओं को भ्रमित करके उनके ऊपर अंधों में अंधे ने, क्योंकि जनता तो ज्ञानहीन होती ही है इसलिए संतों और गुरुओं के पास जाती है, और वो अंधे ही टकरा गए हमने आगे। तो परमात्मा कहते हैं अंधे की बां गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठों जगपतियासी। और अंधे की बां गही अंधे ने, अंधे की बां हाथ अंधा पकड़ के चला हुआ है तो मार्ग कौन बतासी। वर्तमान तक यानी अब जब से दास को ये मार्ग मिला है उससे पहले उन संतों को छोड़कर जो परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जिनमें से इस दास को आधा दर्जन के नाम याद हैं, संत धनी धर्मदास जी, संत गरीबदास जी, संत गीसादास जी, संत दादूदास जी, संत नानक साहिब जी, संत मलुकदास जी। इन महापुरुषों को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु स्वयं आकर के मिले थे और उनको अपना सचखंड सतलोक और पूरी व्यवस्था इस ब्रह्मांड की दिखाई थी, तो वो परमात्मा के एविडेंस बन गए हैं, वो परमात्मा के गवाह बनाए परमेश्वर ने इस समय के लिए कि जिस समय ये तत्व ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर होगा बिचली पीढ़ी के लिए, उस समय ये महापुरुष इन महापुरुषों के द्वारा दिए गए विचार मेरे गवाही देंगे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा प्रभु है, परमेश्वर कबीर है जो काशी में दुलाहा बनकर के लीला करके चले गए, वो परमेश्वर है। उनकी उन महापुरुषों की अमर वाणी में परमेश्वर की महिमा कबीर जी की महिमा आज भी विद्यमान है। तो इसलिए वो परमेश्वर उनको छोड़कर उन संतों को छोड़कर या कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के अतिरिक्त वर्तमान में किसी भी संत पंथ के पास कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है, सब भ्रमित कर रहे हैं, मनुष्य मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
ये बर्बाद करें इस अनमोल जीवन को। ये इस मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म करवा रखा कि इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा दे प्राणी के को। ये कैसी साधना करता है, शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के, बाकी शास्त्र विरुद्ध साधना ये कितनी ही करता रहे, वो करता रहे, इसको भ्रमित करके करवाते रहे, फिर इसका मनुष्य जीवन बर्बाद होता हो जाता है और फिर ये 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। फिर काल निश्चिंत हो जाता है कि ये नहीं अब पार हो सकते, ये तो गए गड्ढे में। अब इन संतों और ऋषियों को भी काल नहीं बख्शता। जैसे श्री शिवदयाल जी, जिनसे राधा स्वामी पंथ चला, जिसको ये अपना सबसे फर्स्ट संत मानते हैं। श्री शिवदयाल जी पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शरण में शास्त्र अनुकूल साधना की हुई थी। और हम क्या गलती करते हैं कि हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, स्वयं अपनी बुद्धि से सोचते रहते हैं, उस परमात्मा से संपर्क तोड़ लेते हैं और फिर अपने हिसाब से चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो काल यही चाहता है किसी प्रकार से प्राणी को परमेश्वर कबीर जी से दूर कर दूं। फिर ये कहीं चाहे राजा बना रहे, चाहे महाराजा बना रहे, चाहे कोई देवता बना रहे, धक्के खा कर अपनी पूंजी को बर्बाद करके यहीं फिर भूत बन जाता है। यही शिवदयाल जी पूर्व जन्म की कमाई के आधार से लाखों लोगों में श्रद्धा के पात्र बन गए, आकर्षण के पात्र बन गए और उनको परम धनी परम पुरुष की उपाधि दे दी। भक्ति सत्य थी नहीं उनके पास, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी, जिस कारण से वो अपने जीवन को बर्बाद करके प्रेत योनि में चले गए। दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है। अब दिखाता हूँ, ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज अर्थात शिवदयाल जी। राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से यूपी से ये प्रकाशित है। ये है राधा स्वामी दयाल की दया, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये प्रताप सिंह जी जो थे शिवदयाल जी के भाई थे, उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट राधा स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। ये छपी यहां से है, अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर्स बालेज रोड आनंद। ये है, ये है परम धनी जी स्वामी। देखो परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी। ये देखिए 78 प्रश्न, ये 78 जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसमें 71 वचन। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख और अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, ये परम धनी हुक्का पिया करते थे, या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने को बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा अपने मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी,
तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी मर गए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजात हजूरी यानी फ्रेश होने को भी रफा नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। जब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी, और वह पलंग आज तक भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से के पेशतर करते थे। अब देखो यहाँ थोड़ा सा विवेचन देते हैं। क्या कहा कि स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे शिवदयाल जी, और उनकी एक प्रिय शिष्या थी बुक्की, वो उनके चरण का अंगूठा चूसती रहती थी। जब स्वामी जी का की मृत्यु होगी अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद वो 1-1.5 महीना बहुत ही यानी ऐसे पड़ी रही जैसे आपने देखा हो यहाँ भूत लोटेरा आकर भूत जिसमें आ जाओ बेबे लोटेरा आकर, वो पहले भी भूत था इस बुक्की में, और वो अंगारा सी आंख तो भूताले की व्याकर भजन करने की अंगारा सी आंख व्याकर थरा के जो भाई, और बेहोश थोड़ा होगा वो तो भक्ति करता रहता है। कोई संत का इतिहास दिखा दो जो भजन करते हुए बेहोश हो गया हो, ये तो ऐसी स्थिति प्रेत आत्मा जिसमें होती है उनकी होती है। अच्छा फिर क्या कहते हैं कि जब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए, उसमें प्रवेश कर गए किस्मत बुक्की में, और फिर उसने उसी दिन से आप रोटी बना बुक्की रोटी बनावे और हुक्का भरे खाना खा कर वो प्रेत बनकर श्री वो शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश कर गया, और बुक्की वो खाना बनावे फिर उसी पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे और वो रोटी खावे। अब आगे देखो खाना खावे, देखो बुक्की जी भोग तैयार करती थी और पन्नी गली के मकान में पहले की दोस्तर माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी, पलंग बिछाती हुक्का भरती, और उसने आप पे पीती आप पे रोटी खाती, वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की उस जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी हुक्का भी पीते थे व सेवा जो करते रोटी भी खाते थे उसी में प्रवेश करके। बुक्की जी को महाराज के उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए ही दरियाफत कर लिया करते थे, यानी बुक्की जी के भास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। अब सुनो जानते हैं।
अब बुक्की में वो स्वामी जी भूत बनकर आया करता, और ये लेखक जो स्वामी जी का जो शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह जी, ये नु कहे मेरे ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी तो मैं बुक्की के सामने हाथ जोड़कर नु कहा करता, हे महाराज जी, हे परम धनी जी, मुझे कुछ रास्ता बताओ। फिर वो बुक्की में प्रवेश करके बोलता था, जैसे आपने देखा होगा कई बहनों में भाइयों माते में हनुमान बोलता हूँ, है मैं जो है ना भैरव बोलता हूँ, मैं माता हूँ, ये भूतनी है सारी, ये भूत है। तो ऐसे ही शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे, और उससे आदेश लेकर ये प्रताप सिंह और जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से चलाया वो शालिग्राम भी उस बुक्की आले भूत ते आदेश लेता था।